Welcome to all students. I am going to teach in this video about corolla and its modifications. Iske baad corolla. Now corolla kya hai? It is the second whorl of the flower. Aur isko kehte hain petal. Corolla ko petal kehte hain. Ye brightly colored hota hai. Iska kaam hota hai insects ko attract karna aur inner parts ko bachana. Corolla lies above calyx. Calyx ke upar hota hai. ठीक है, अगर शेप एंड साइज ऑफ पेटल सिमिलर होगा तो उसको सिमेट्रिकल कहेंगे, अगर शेप एंड साइज सिमिलर नहीं होगा तो पेटल को एसिमेट्रिकल कहेंगे, अगर पेटल्स फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस कहेंगे, अगर पेटल्स फ्यूज्ड होंगे तो गैमोपेटलस कहेंगे, अगर कैलेक्स फ्री होगा तो क्या कहेंगे? एपोपेटलस. पॉलीसेपलस. कैलेक्स, कैलेक्स किसको कहते हैं? सेपल को. इसीलिए मैंने ये पूछा ना आप लोगों से. पॉलीसेपलस, ठीक है. और अगर कैलेक्स फ्यूज्ड होगा तो उसको गैमोसेपलस कहेंगे. इसी तरह यहाँ पे करोला के बजाय यहाँ पे पेटलस यूज किया गया है वर्ड. तो पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, इसका मतलब ये फ्री पेटल्स हैं, फ्री पेटल्स हैं. और फिर उसके बाद गैमोपेटलस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड पेटल्स हैं, ठीक है. अब पेटल्स में भी जो फॉर्म ऑफ पेटल्स इन करोला है कि कितने पेटल्स होंगे और किस तरह की शेप होगी उनमें और किस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, तो एक फॉर्म है जिसको कहते हैं हम क्रूसीफॉर्म. उसको क्या कहते हैं? हम क्रूसीफॉर्म कहते हैं उसको. क्रूसीफॉर्म में फोर पेटल्स पाए जाते हैं, यानी इस तरह के फ्लावर में फोर पेटल्स पाए जाते हैं. लोअर पार्ट ऑफ द पेटल जो होता है दैट इज कॉल्ड क्ला, और आउटर पार्ट को लिम्ब कहते हैं. यानी ये जो पेटल है इसके लोअर पार्ट को क्ला कहते हैं, क्ला कहते हैं, और इसको लिम्ब कहते हैं. ठीक है, पेटल में ये पेटल है और इसके लोअर पार्ट को क्ला कहेंगे और इसको लिम्ब कहेंगे. दिस इज लिम्ब और दिस इज क्ला, ठीक है. अब जो इसका क्ला होता है डेट इज नैरो, ये नैरो है, इस तरह से नैरो होगा, ठीक है. और ये इनका अरेंजमेंट क्या होता है? ये डायगोनली अरेंज होते हैं, यहां से फिर यहां से अपोजिट साइड में डायगोनली अरेंज होते हैं. इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, क्रॉस बनाते हैं ये. दे आर अरेंज्ड डायगोनली. क्रूसीफॉर्म में वो चार पेटल्स होते हैं और ये अरेंज होते हैं डायगोनली में, डायगोनली अरेंज होते हैं और ये क्रॉस बनाते हैं. इसकी एग्जाम्पल दे आर अरेंज्ड इन क्रॉस वाइज, और इसकी एग्जाम्पल मस्टर्ड और रेडिश है. इसकी एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड और रेडिश है, ठीक है. अब एक और पेटल है जिसको क्या कहते हैं, एक और टाइप ऑफ पेटल है जिसको कहते हैं क्रायोफाइलेशियस पेटल. क्रायोफाइलेशियस पेटल, दिस क्रायोफाइलेशियस पेटल क्या होते हैं? ये पांच पेटल्स प्रेजेंट होते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ फाइव पेटल्स विथ डिस्टिंक्ट लिम्ब एंड क्ला. डिफरेंट लिम्ब और क्ला होता है. क्ला ऑफ द पेटल इज शॉर्ट, ये शॉर्ट होता है क्ला पेटल का. एंड लिम्ब ऑफ द पेटल फॉर्म्स राइट एंगल, यानी क्ला के साथ ये पेटल है, इसके साथ लिम्ब के साथ ये राइट एंगल बनाएगा, ठीक है. क्ला और पेटल राइट एंगल आपस में बनाएंगे. दिस इज पेटल और ये राइट एंगल बनाएंगे क्ला के साथ, ठीक है. क्ला और पेटल राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है. और इसकी एग्जाम्पल डायंथस, डायंथस इसकी एग्जाम्पल है. एंड ग्रॉप्सोफिलिया, ग्रॉप्सोफिलिया, ठीक है. ये समझ में आ गया. क्रायोफाइलेशियस जिसको कहते हैं, हमने पहला पढ़ा क्रूसीफॉर्म, हमने पहला पढ़ा क्रूसीफॉर्म, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम क्रायोफाइलेशियस. क्रायोफाइलेशियस हमने दूसरा पढ़ा. इसकी एग्जाम्पल डायंथस एंड ग्राप्स ग्राइप्सोफिलिया, हाँ, गिप्सोफाइलिया, गिप्सोफिलिया, ठीक है. नाउ एक और है रोजेसी जिसको कहते हैं, रोजेशियस
पेटल कहेंगे, रोजेशियस पेटल, 5, 5 या 5 से ज्यादा हो सकते हैं। इनमें क्ला एब्सेंट होता है, क्ला इज एब्सेंट, यानी ये पेटल जो है इट इज सिसाइल, मोर सिसाइल होते हैं ये सिसाइल हैं, दे आर सिसाइल, ये सिसाइल होते हैं, या हम कह सकते हैं शॉर्ट क्ला होता है इनमें, शॉर्टली क्ला, इसमें क्ला नहीं होता है, शॉर्टली क्लॉड पेटल होते हैं ये, ठीक है। और ये बेंट होते हैं हॉरिजेंटली लाइक ए सॉसर, सॉसर तो पता ही होगा, सॉसर किसको कहते हैं, लड़कियां बताएंगी सॉसर किसको कहते हैं, नहीं पता क्यों नहीं पता सॉसर, क्यों नहीं पता आपको, है, तो इसका दूसरा नाम बताइए या तो बता देंगे। दूसरा नाम क्या बताएंगे, आप लोगों को सॉसर ही नहीं पता, ये तो हैरान कन बात है ना। किचन में यूज होने वाला कोई सामान है? हाँ, किचन का रखा हुआ सामान, इसलिए मैंने लड़कियों से पूछा। जब अच्छा मैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर मोर और लेस कप है ना। अगर मेहमान आएगा, मैं मेहमान बन के आऊंगा, आप मुझे अकेले कप में लाओगे चाय कि किसी और चीज के साथ, इसके साथ कोई और चीज अटैच होती है, साथ में कुछ और लाओगे इसके नीचे, इस तरह का कुछ तरे सर तरे तरे ट्राई, या प्लेट नीचे रखते हैं ना, कप के नीचे प्लेट रखते हैं तरे इस तरह से, उसी को सॉसर कहते हैं। जो कप के नीचे प्लेट होता है, हाँ, तो ये देखो सॉसर लाइक है इनका स्ट्रक्चर, इस तरह से ये नीचे नीचे की तरह थोड़ा सा है, बेंट है यहाँ पे, देखो नीचे की तरह है, तो ये सॉसर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना प्लेट का। ये देखो ऊपर, ये ऊपर की तरफ है, प्लेट होता है ना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा बनना प्लेट, सभी अभी अपना मोबाइल लेके किचन में जाओ, वहां पे प्लेट देखो कि वो ऊपर होता है थोड़ा सा और फिर अंदर से नीचे होता है इस तरह से, ठीक है। तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सॉसर जो उसको कहते हैं हम। सो ये पूरा फ्लावर देखो सॉसर की ही तरह है, सॉसर की तरह। इसमें देखो कैरोफाइलेसी में ये, अच्छा ये बताओ कैरोफाइलेसी पॉलीपेटलस है कि गैमोपेटलस है, कैरियोफाइलेसी पॉलीपेटलस पॉलीपेटलस है, पॉलीपेटलस है, फ्री है, ठीक है। तो ये पॉलीपेटलस है, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉसर अब समझ में आ गया होगा आपको। तो रोजेसी फैमिली में इसकी एग्जांपल रोज है, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। थोड़ा सा हम डीप ही पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह है ये कि ये चीजें आई हुई है एग्जाम में और हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक। तो रोजेसी है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा पेटलस करोला किस तरह के होते हैं, हमने पहला पढ़ा क्रूसी फॉर्म, दूसरा क्या पढ़ा कैरियो फाइलेसियस, और तीसरा कौन सा पढ़ा रोजेशियस, ठीक है। रोज और कोकोनट, डायंथस एक एग्जाम्पल पढ़ी, और पीछे हमने मस्टर्ड और रेडिश पढ़ा, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये तीन पढ़े, ये पलेट लाइक स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ पैपिलियंशियस, दिस पैपिलियंशियस फ्लावर, जिस पैपिलियंशियस, याद रखना इस पैपिलियंशियस में, ये जो पैपिलियंशियस फ्लावर है
इसमें क्वेश्चन आया है इसीलिए, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा कि हम सारे ही पढ़ेंगे, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पैपलियोनेशियस फ्लावर जिसको कहते हैं, दिस इज पैपलियोनेशियस फ्लावर, ठीक है। अब ये जो पैपलियोनेशियस फ्लावर है, दिस पैपलियोनेशियस फ्लावर, याद रखो इसमें क्वेश्चन आता है, और इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, 3 बार, यानी इसमें से देखो कितने क्वेश्चन निकले हैं, एक एक लाइन आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं एग्जाम में। नाउ दिस इज पैपिलियन नेशियस फ्लावर, पैपिलियनेशियस फ्लावर, इसमें क्या है, पहला याद रखना है 5 अनइक्वल और इरेगुलर पेटल्स होते हैं, इरेगुलर पेटल्स होते हैं, ध्यान से, ठीक है, इरेगुलर पेटल्स होते हैं, और दे आर अरेंज्ड लाइक बटरफ्लाई, किसकी तरह अरेंज्ड होते हैं, बटरफ्लाई की तरह अरेंज्ड होते हैं, दे आर अरेंज्ड लाइक बटरफ्लाई। इसमें एक बाइलोब्ड फ्लावर होता है, 2 लोब्स का बना हुआ फ्लावर है, इस तरह से एक बाइलोब्ड फ्लावर है, दिस इज बाइलोब्ड फ्लावर। इसमें एक बाइलोब्ड फ्लावर है, या बाइलोब्ड पेटल, सॉरी बाइलोब्ड पेटल है, उस बाइलोब्ड पेटल को कहते हैं स्टैंडर्ड, और या उसका दूसरा नाम है वैक्सिलम। क्वेश्चन आया है वैक्सिलम इज फाउंड इन, ठीक, नीचे इसके प्लांट्स के नाम दे दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन वैक्सिलम के बारे में आया है कि वैक्सिलम का स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, वैक्सिलम के बारे में दूसरा क्वेश्चन यही आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट। हाँ भाई जल्दी जल्दी बोलो, ठीक, मैं बता रहा हूं आपको कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था वैक्सिलम के बारे में। वैक्सिलम के बारे में कब क्वेश्चन आया था, 2015 में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और 2012 में आया है, और इसके साथ साथ 2014 में आया है, 2014 में, इसी से रिलेटेड वैक्सिलम, और एक इसके बाद एक और चीज हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी, और 2016 में भी आया है, और यही क्वेश्चन मैंने जो कहा है, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपलियोनेशियस करोला इज कॉल्ड एज, ये देखो क्या क्वेश्चन आया है, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपलियोनेशियस करोला इज कॉल्ड एज, बिना ऑप्शंस बताए आप इसका आंसर दे सकते हो, क्या कहते हो उसको, बिना क्वेश्चन क्या है ऑप्शन, सर? क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कहाँ लिखा जा रहा है, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैपलियोनेशियस कारोला इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन में नहीं दूंगा, वैक्सीलम वैक्सिलम। अब देखो ऑप्शंस, अब देखो भाई, हम ये इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस में दिया है वैक्सिलम, ठीक, ऑप्शंस में क्या दे दिया गया है, वैक्सिलम, इसी को क्या
आप टिक करोगे, है ना। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है पैपस, आपने अभी ये पढ़ा कहीं पे, पैपस क्या होता है? तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है सुपर, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया है करीना। आपने ये चीजें पढ़ी है, है ना, यही चीजें आपने अभी पढ़ी, इसीलिए इतना डीप जाना पड़ता है क्योंकि ऑप्शंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये इसका आंसर होगा वैक्सिलम, 2016 के फेज वन नीट का क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से 4 बार रिपीट हुआ है, और मैंने वो गिनवाए किस किस ईयर में ये आया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से, अब आपका काम है इसको ध्यान से समझना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पैपलियोनेशियस फ्लावर में एक बाइलोबड बाइलोबड स्ट्रक्चर का एक पेटल होता है जिसको क्या कहते हैं, जरा रिपीट करो, वैक्सिलम, वैक्सिलम कहते हैं उसको, ठीक है। और इसके साथ साथ दो और लेटरल, लेटरल मतलब साइड से लेटरल पेटल्स होते हैं, लेटरल पेटल्स होते हैं, और वो ओवरलैप करते हैं, टू स्मॉलर पेटल्स, उनको विंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, विंग्स, ठीक। तो वैक्सिलम के लेटरल साइड में, इसके दोनों साइड्स में, लेटरल साइड्स में इस तरह का एक फ्लावर पाया जाता है, एक पेटल पाई जाती है इस तरह की, जो ओवरलैप करती है, इस तरह की, इनको क्या कहेंगे, विंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, विंग्स कहते हैं। इसके दोनों साइड में विंग्स होती है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ दो एंटीरियर पेटल्स होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं इस तरह से, एंटीरियर पेटल्स हैं ये, एंटीरियर, दो एंटीरियर पेटल्स होंगे जो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। इसको विंग्स भी कहते हैं, और दूसरा नाम ही पूछा जाएगा, एली कहते हैं, क्या कहते हैं, एली, ठीक है। अब एंटीरियर, एंटीरियर मतलब सामने के साइड से, एंटीरियर ये पोस्टीरियर है, ये भी क्वेश्चन आया है एक बार, पोजिशन इनकी पूछी गई है, और ये लेटरल है, ये भी क्वेश्चन आया है कि अच्छा फ्लावर में, पैपलियोनेशियस फ्लावर में, या पी में, या बीन में, ये क्वेश्चन आया है। इसकी एग्जाम्पल्स में साथ साथ ही दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में साथ साथ ही दे रहा हूँ, विंग्स लेटरल साइड में, पोस्टीरियर साइड में वैक्सिलम है, एंटीरियर साइड में क्या है, एंटीरियर में बोट शेप्ड स्ट्रक्चर है, दे फॉर्म द बोट शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर आप फ्लावर को देखोगे, अगर आप फ्लावर को देखोगे, ये फ्लावर यहां से निकल रहा है, एक बाइलोबड स्ट्रक्चर है, उस बाइलोबड स्ट्रक्चर के दोनों साइड में एक इस तरह से विंग्स है, फिर एंटीरियर में इस तरह से बोट लाइक स्ट्रक्चर है, बोट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से बोट लाइक स्ट्रक्चर है, बोट में होता है ना इस तरह से, दोनों बोट लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम इसको उल्टा फेरेंगे इस तरह से, तो ये इसी तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से आपको ये दिखेगा, इस तरह से, तो बोट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, अभी जो ऑप्शन था करीना, है ना, अभी जो ऑप्शन उस क्वेश्चन में था, करीना या कील कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, कील कहते हैं, हाँ,
तो दिस इज बोट लाइक शेप्ड, बोट शेप्ड। अच्छा ये क्वेश्चन कील के बारे में क्वेश्चन, देखो कील के बारे में क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार ये कील के बारे में पूछा गया है नीट में, और आप हैरान हो जाओगे सुन के कि ये कितनी बार आया है। 2010 में कील इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल में बीन एक ऑप्शन है तो उसमें वही आएगा, ये मैंने दिखाया भी था कील के बारे में 2000 कब, 2010 में, ठीक है 2010 में। ठीक है, फिर इसके बाद आया है यही क्वेश्चन, कील का ही क्वेश्चन आया है 2015 में, 2000 कब, 2015 में आया है यही क्वेश्चन आया है 2015 में। ऑप्शंस उसमें डिफरेंट थे, ऑप्शंस उसमें डिफरेंट थे, और उसमें एक ऑप्शन है इंडो इंडिगो फेरा, ये भी लिख के रखो इंडिगो फेरा, इसका एक और ऑप्शन एग्जाम्पल है बी ग्राम्स पीन और इंडिगो फेरा है इसमें। ठीक है, कब आया है ये, 2015 में यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हैं कील के रिलेटेड अभी तक, दो क्वेश्चन मैंने बताए, और इससे पहले इसी क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने कौन सा बताया, वैक्सिलम का बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और बार यही क्वेश्चन कील से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, मगर वो एस्टिवेशन के क्वेश्चन का बना हुआ है, मगर उसमें ऑप्शन कील ही दिया गया है नीचे। ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पैपलियोनेशियस फ्लावर के बारे में। फिर उसके बाद एक और फ्लावर है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो एक और फ्लावर है इसमें जो कप शेप्ड है, कप या बेल शेप्ड है, उसको बेल शेप्ड कहेंगे, दैट इज बेल शेप्ड, बेल शेप्ड। इसमें बताओ बेल शेप्ड आपको कौन सा फ्लावर नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये पॉलीपेटलस हैं, जो हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े ये सारे पॉलीपेटलस हैं, ये बेल शेप्ड है, दिस इज बेल शेप्ड फ्लावर, और इसको कहते हैं कैंपेन्युलेट फ्लावर, इसको क्या कहते हैं कैंपेन्युलेट, फाइसिलिया, फाइसेलिस, फाइसिलिया नहीं फाइसेलिस इसकी एग्जाम्पल है, फाइसेलिस। ठीक, करोला इज बेल शेप्ड, इसकी एग्जाम्पल फाइसेलिस है। ठीक है, फाइसेलिस। अच्छा, रोजेसी क्वेश्चन आया है और कैरोफाइलेसी क्वेश्चन आया है। अच्छा, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें पॉलीपेटलस करोला कौन सा है, पॉलीपेटलस, तो आपको याद रखने हैं पॉलीपेटलस की टाइप कौन सी है, पेटलस कौन से टाइप करोलास होते हैं। तो सबसे पहले पॉलीपेटलस में हमने पढ़ा क्रूसीफॉर्म, और इसकी एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड कैंडी ट्रफ्ट। दूसरा हमने पढ़ा कैरियो फाइलेसी, मैं बहुत बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ हम पढ़ क्या रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल डायन्थस। और तीसरा हमने पढ़ा, जरा रिपीट करते जाओ आप लोग भी, देखो कितना समझ में आ गया आपको, रोजेशियस, इसकी एग्जाम्पल बताओ रोजेशियस की, रोज कोकोनट। रोज कोकोनट। और इसकी एग्जाम्पल बताओ, फिर हमने पढ़ा पैपिलियोनेशियस हमने पढ़ा, ये सारे क्या है पॉलीपेटलस है ये, इसकी एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी, पी पढ़ी और बीन पढ़ा, और अभी मैंने जो एग्जाम्पल दे दी
मैंने जो अभी एग्जांपल दे दी क्या है वो इंडिगो फेरस इंडिगो इंडिगो फेरा इंडिगो फेरा ठीक है। ये आया है दो बार ये क्वेश्चन आया है पैपलियनेशियस के बारे में, तीन क्वेश्चन आए हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। तो फिर उसके बाद हमने लास्ट क्या पढ़ा, लास्ट पढ़ा हमने कैंपेन्यूलेट, बेल शेप्ड है, हमने कैंपेन्यूलेट पढ़ा और इसकी एग्जांपल क्या है फाइसेलिस, इसकी एग्जांपल है फाइसेलिस ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है ठीक है। तो पॉलीपेटलस है, अब बस इसके बाद हम गैमोपेटलस पढ़ेंगे आज। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को दोबारा से। तो हमने क्या कहा कैंपेन्यूलेट जो है ये, इसमें हमने ये पॉलीपेटलस में भी एक एग्जांपल पढ़ा फाइसला और यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। एक है फनल शेप्ड, अगर फनल शेप्ड होगा मगर वो गैमोपेटलस है फनल की तरह ठीक है, तो जो फनल शेप्ड होगा उसको क्या कहते हैं, उसमें फनल शेप्ड में एग्जांपल है दतूरा रेलवे क्रीपर, तो ये फनल शेप्ड है, ये देखो पूरे फ्लावर फ्यूज्ड है ठीक है, पूरे फ्लावर क्या है फ्यूज्ड है, पूरा फ्लावर इसमें फ्यूज्ड है ये वाला फ्लावर फ्यूज्ड है इसमें, इसको फनल शेपर रेलवे कीपर एपोमिया कैरी का इसको कहते हैं एपोमिया कैरी का ठीक। तो फिर उसके बाद फनल शेपर के बाद इपोमिया कैरिका के बाद एक और आता है जिसको कहते हैं ट्यूबुलर, ट्यूबुलर में ट्यूब शेप्ड होगा, हमने ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये, दिस इज ट्यूबुलर, ये देखो ट्यूब शेप्ड है फ्लावर मगर ये जो पेटल्स हैं सारी फ्यूज्ड है, ये सारी पेटल्स क्या है फ्यूज्ड है, तो ट्यूबुलर है एक एग्जांपल। और ट्यूबुलर में इसकी एग्जांपल ये है डिसिक फ्लोरेट्स, आप डिसिक फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, हमने इसे पहले पढ़ा है रे फ्लोरेट्स है ना, हमने रे फ्लोरेट कहाँ पढ़ा था, जरा बताओ हमने रे फ्लोरेट की एग्जांपल कहाँ पढ़ी थी, हमने जब एपिगाइनस एपिगाइनस फ्लावर जब पढ़ा था तो रे फ्लोरेट पढ़ा था, मैंने कहा था डिसिक फ्लोरेट भी होता है, दिस इज डिसिक फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर ठीक है। तो इसमें भी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है अगर इसमें से एक फ्लावर को निकालेंगे बाहर तो ये है डिसिक फ्लोरेट की एग्जांपल ट्यूबुलर ठीक, समझ में आ गया। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा कैंपुलेट फनल शेप ट्यूबुलर, ट्यूबुलर के बाद हमने डिसिक इसमें की एग्जाम्पल एक है रोटेट या व्हील शेप्ड, व्हील शेप्ड व्हील शेप, देखो ब्रिंजल बहुत यूज हुआ है, ब्रिंजल पे पूरा एक लिस्ट बना लेना और ब्रिंजल के सामने लिखना क्या क्या है ब्रिंजल का फ्लावर में ठीक है, इस तरह से ब्रिंजल सामने लिखोगे व्हील शेप का रोला, फिर उसके बाद लिखोगे कैलेक्स में क्या पढ़ा था हमने ठीक है, फिर हमने हमने एपिगाइनस पेरिगाइनस ओवरी में कौन सी किस टाइप की ओवरी हमने पढ़ी थी हाइपोगाइनस ठीक है ब्रिंजल के सामने, तो इससे ये एग्जाम्पल याद ही रहेगी ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये व्हील शेप्ड जो है इसको क्या कहते हैं रोटेट, इसमें ट्यूब शेप्ड कोरोला है जो हमने इससे पहले ये पढ़ा था, इस तरह से ट्यूब शेप्ड या व्हील शेप्ड होता है मगर फ्यूजिफॉर्म है ये, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबुलर फ्लावर ठीक है, रोटेट रोटेट वाला ये है ठीक है, दिस इज रोटेट फ्लावर, ब्रिंजल की एग्जाम्पल ये है, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं ठीक है, दिस इज ब्रिंजल ये रोटेट की तरह है मगर ये फ्यूजिफॉर्म है ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अच्छा
फिर उसके बाद एक और है, एक और है इसके बाद। अब एक और है, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, असल में वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप नाम याद रखो, स्ट्रैप शेपर्ड। स्ट्रैप शेपर्ड, स्ट्रैप शेपर्ड में इस तरह का एक, इस तरह का फ्लावर आएगा, ये करोला आएगा, उसको स्ट्रैप शेपर्ड कहते हैं। अपर पार्ट ऑफ करोला इज फ्लैट इनर लाइक स्ट्रैप, ठीक है, और लोअर पार्ट इसमें ट्यूब शेपर्ड है। लोअर पार्ट क्या है? ट्यूब शेपर्ड है। देखो जरा इसमें, ये देखो, ठीक है, इसमें ट्यूब शेपर्ड है, मगर इसके फ्लावर के अपर पार्ट में ये स्ट्रैप जैसे हैं, ये इस तरह से बना हुआ होगा, तो इसको कहते हैं ट्यूब शेपर्ड या स्ट्रैप शेपर्ड। इसको क्या कहते हैं? ट्यूब शेपर्ड या स्ट्रैप शेपर्ड, ठीक। इसके बाद एक है मास्कड, ठीक है, और ये जो मास्कड फ्लावर है ये इस तरह से है, ये फ्लावर इस तरह से है, ये इसके सेपल है, ब्रैक्ट है, और ये नीचे से ये है, ये फ्लावर इसमें स्क्रीन असल में सेव रहना चाहिए, स्क्रीन सेव नहीं रहती है, ये फ्लावर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है। फिर उसके बाद अंदर क्या है इसमें? अंदर से इसमें इस तरह से लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इस तरह से ये फ्लावर है, ठीक, समझ में आया? इसको कहते हैं परसोनेट और मास्कड फ्लावर, मास्कड फ्लावर इसको कहते हैं। एंटे रिहिनियम जिसको कहेंगे हम, एंटी रिहिनम, ठीक है, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, अब इसके बाद एक और परसोनेट फ्लावर, का क्या मतलब हुआ? पर्सनेट, मतलब कि ये पर्सनेट का मतलब होता है कि ये बाइलैबेट होता है, दो लिप्स की तरह दिखाई देता है ये फ्लावर, ठीक है, और इसमें क्लोज माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पर्सनेट का मतलब कुछ किसी इंसान की तरह शेप बनाना, ठीक है, या किसी चीज की तरह शेप बना लेना, ठीक है। यस सर। किसी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना पर्सोनेट कहता है, या किसी की तरफ शेप बनाना, तो ये पर्सोनेट फ्लावर है, ठीक है। इस पर्सोनेट फ्लावर की एग्जांपल एंटीरिहियम है। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब ये यस देखो सर, ना, हाँ ये पर्सोनेट फ्लावर है, दिस इज पर्सोनेट फ्लावर, ये है ना, इसका माउथ लग रहा है, ये इसके लिप्स लग रहे हैं, ऊपर से मान लो साड़ी रखी हुई है, कहीं हेड को कवर करके, जिसको हेयर बैंड कह रहे हैं, उस तरह का फ्लावर है ये, ठीक है, दिस इज पर्सोनेट फ्लावर, ठीक है। अच्छा, एक और फ्लावर है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, इस तरह का फ्लावर है, इनफंडिबुलम, जिस जो दतूरा में है, दतूरा इसकी एग्जाम्पल है। वन फ्लावर इज बाइलैबेट, बाइलैबेट मतलब दो लिप्स की तरह फ्लावर है, इस तरह से एक, फिर उसके बाद कप शेपड होगा नीचे से, फिर दूसरी बात इस तरह से, बाइलैबेट फ्लावर है। एक और एग्जाम्पल है बाइलैबेट, इसकी एग्जाम्पल क्या है? ऑसिमम इसकी एग्जाम्पल है, बाइलैबेट की एग्जाम्पल ऑसिमम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, ऑसिमम, ऑसिमम किसको कहते हैं जरा बताओ, हिंदी में ऑसिमम किसको कहते हैं? ऑसिमम किसको कहते हैं? तुलसी को। हाँ, ऑसिमम किसको कहते हैं? तुलसी को, या
बेसल जिसको कहते हैं, तुलसी। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हमने यस क्या क्या सर। पढ़ा, एक तो ट्यूब्यूलर पढ़ा हमने, कैंपुलेट पढ़ा, रोजेसी पढ़ा, फिर उसके बाद रोटेट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हाइपोक्रेटिव फॉर्म पढ़ा। हाइपोक्रेटिव फॉर्म कौन सा होता है? इट इज सेल्वर लाइक, सेल्वर लाइक, सेल्वर जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बाइलेबेट पढ़ा, ठीक है, और इन इनफंडिबुलम पढ़ा, और लिंगुलेट पढ़ा, इनफंडिबुलम पढ़ा, और काइरोफाइरेसी पढ़ा हमने, ठीक है, और पैप्लियोनेसी पढ़ा हमने, और परसुनेट पढ़ा है, परसुनेट पढ़ा है हमने, ठीक है, परसुनेट पढ़ा है हमने। फिर उसके बाद हमने कैम्फोलेट पढ़ा था, ठीक है, और ये सारे इसमें आ जाते हैं, इन फ्लावर्स के टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक, तो ये टोटल है गैमोपेटलस। तो गैमोपेटलस में हमने ट्यूब्यूलर पढ़ा है, इनफंडिबुलम पढ़ा है, स्ट्रैप शेपर्ड पढ़ा है, परसोनेट पढ़ा है, उसके साथ साथ हमने बाइलेबेट पढ़ा है, कैम्फुलेट पढ़ा है, और हाइपो क्रेटिव फॉर्म पढ़ा है। दिस इज हाइपोक्रेटा फॉर्म फ्लावर। ट्यूब्यूलर कोरोला है, और फिर स्प्रेडिंग लोब्स ऊपर है, ऊपर स्प्रेडिंग लोब्स है। तो ये हमने गैमो पेटलस में पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और एस्टिवेशन के बाद हम एंड्रोशियम पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन पढ़ना है, और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है ये एस्टिवेशन के बाद एंड्रोशियम, जिसमें हम मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, फ्लावर